बहुत कमाया पैसा, लेकिन वो पैसा रास नहीं आया। हमने कहा कि नहीं, जिसके लिए मैं बना हूं वही मेरी विरासत है। एक रात में पूना की 36 ब्रांचें मैंने बंद कर दी। ये देखो मजा, अभी देखना, अभी इसका कमाल देखना, ये खाओ। मेरी उंगलियां कांपती उस वक्त। आप आ गए, बस हो गया, खेल खत्म। ये हम बना रहे हैं नींबू मटर, इसमें दही पड़ेगा? नहीं नहीं पड़ेगा। अच्छा, चटनी मीठी डालूं थोड़ी सी? ये चटनी डाल रहा हूँ, बहुत जानदार है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे। ये रेडी हो गया नींबू मटर। जब इतने लोग हमारे हाथों से चाट खाते हैं तो ऑटोमेटिक एक जुनून सा पैदा हो जाता है। और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे जीते जी दुनिया का कोई भी इंसान हमसे बिना खाए बचे ना। सुबह से 3000 लोगों को अपने हाथों से खिलाया, बात किया, सबको बात भी की, सबके साथ सेल्फी भी ली, लेकिन वो अंदर से एक जुनून पैदा होता है, नेचुरल। ये हमारा दही बताशा भी बहुत फेमस है। ये दही बताशा, ये चटनी समझ लो चमन परास है, नाम है सिर्फ चटनी। ये विदाउट मसाले का गुड़ है, इसमें कोई मसाला नहीं चटनी पड़ रहा। और जितना ही गुड़ पुराना होगा, आप 50 ग्राम खा लोगे तो आपको पसीना आ जाएगा सोड डाल के। इसमें सोड पड़ी रहती है, इसके दही दही नहला दिया एकदम। मिर्चा डाल, आंखें बंद करो भाई, ये लो थोड़ा, तुम भी खा लो, आज सैटरडे, अरे खाओ, देखा जाएगा। और क्या, खाए पिए रहो, टेंशन वाला कोई काम नहीं। पैसे से कोई लेना देना नहीं, कोई पैसा दे रहा है क्या कर रहा है, पैसे कमाने वाले कमाओ, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें एक गॉड गिफ्ट है, और जो हमारे मेहमानों से हमको मिल जाता है। दुनिया का हर इंसान हमारे हाथों से अगर चाट खा लिया तो समझ लो मेरा जीवन सफल है। दो आलू टिक्की खाने के लिए, ये आलू टिक्की बना रहे हैं। बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। क्या खाएंगे? एकदम फर्स्ट क्लास। 3 बास्केट क्या खाओगे? एक बास्केट ले लो, सबकी छुट्टी हो जाएगी यार। हाँ, मिनिया बनाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, वहां शर्त लगती है। वहां शर्त लगाते हैं कि चाट किंग के पास चलना है। चाट हम यहाँ बनाते हैं, लेकिन वो पेपर की कटिंग वहां हमारी छपती, मुझे मालूम नहीं रहता कि मेरा बारे में कौन क्या लिख रहा। और जब तक हमारे हाथों में एक चुटकियां चलती रहेंगी, ये टेस्ट रहेगा, तब तक ये रिपीट होता रहेगा। एक एक बास्केट चाट, एक बास्केट, दो बास्केट, 3 बास्केट। अरे दबा क्या है मन्नो भाई। और ये पापड़ी चाट डाल ले इसके अंदर। और ये हमारा मसाला है, ये दर्दी धनिया है, ये कूटा मिर्चा है, ये जीरा है, ये चाट मसाला है, और ऊपर से हम डाल रहे हैं पापड़ी। 1 2 3 आप डालेंगे इसके ऊपर चटनी। 1 2 3 दही डाल रहे हैं। 1 2 3 ये दही अब इसके ऊपर डाल रहे हैं ये नवरत्न, धनिया, अनारदाने, मूंगफली, ये और लास्ट में ये दे रहा हूँ हाजमोला। सब खत्म। इसको खाने के बाद सब खत्म, खेल खत्म, हजम। देखिए, टोपी के बारे में आज तक का हम अपनी चर्चा नहीं की। ये मेरा समझ लो ताज है। इसके पिताजी जब हमारे एक गांव था, बहुत छोटा सा गांव था, आज एक मिश्रिक है जहां से हमने चाट को जन्म दिया था। चाट के मतलब था कचालू। आलू बॉयल करते थे, नमक मिर्चा धनिया डालते थे, जामुन का सिरका डालते थे, और एक पीतल का पैसा हुआ करता था, छेदा हुआ, उस पैसे से एक पत्ते में चाट पत्ते वो बेचते थे हमारे पिताजी। लेकिन वो हमेशा एक कैप लगाकर ही बनाते थे। ताज है, समझ लीजिए, टोपी नहीं उतरेगी। जिस दिन हमारा टेस्ट गया उस दिन टोपी गई। हमें अच्छा लगता है टोपी पहन के बनाने। अगर लगता है कि यार मैंने टोपी नहीं पहना तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ बनाया नहीं, यार आज बनाना नहीं आता मुझे। कभी कभी हम अपनी सिविल ड्रेस में रहता हूँ, लेकिन मेरी उंगलियाँ कांपती उस वक्त। लगता है अभी जींस पहनेंगे, टॉप पहनेंगे, लगाएगा, ऑर्डर तो लगाते हैं, लेकिन उस वक्त पता नहीं अजीब सी लगता है कि मेरी उंगलियाँ कांप रही, ये चुटकियाँ नहीं चलती, इसको लगाने की इतनी स्पीड आती है। मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा ना। 1 2 3 25 दिसंबर तक प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा ट्रायल चालू है अभी।
है ना सर, दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं 25 दिसंबर को चाट बनाने के। क्या ऐसा कर रहे हैं? आप आइए तो, अभी सिगरेट है ना? और लास्ट टाइम अमिताभ बच्चन आया था कि नहीं आया था? आया था ना, सब आया था, वो गुड सब आया था, वो भी आया था, और वो तो विजय राज भी आया था शूटिंग कर। अभी तो सारे स्टार शाम को अभी देखोगे ना, चुपके से गाड़ियों में खा रहे हैं। जिस दिन मैं टोपी नहीं पहनता उस दिन चाट नहीं बनाते हैं। अच्छा लगता है, हम बिल्कुल बेकार हैं, कुछ आता नहीं हमको। चलो भाई, हाथ मोला भी खाओगे ना? हाथ मोला भी डालेंगे ना? हैं, पूरा ख़त्म करना, छोड़ना नहीं, छोटा वाला बनाए। ये लो, ये मिनी बास्केट बना दिया। ये भी बहुत चटोरे हैं हमारे सब, कितने हैं ये चटोरा ग्रुप देखिएगा। है आप काजू की जगह पे प्यार से किसी को मूंगफली खिला दो और नफरत से काजू खिला दो, वो मज़ा नहीं आएगा जो मूंगफली में। एक बास्केट में कम से कम चार लोग लगते हैं। हाँ, कोई बहुत चार लोग लगे, इसको फैमिली बास्केट भी कह सकते हैं। हाँ, और एक छोटा वाला जो है उसको कपल बास्केट नाम दे दिया है, उसका नाम है कपल बास्केट या फैमिली बास्केट, दो लोग मिलकर छोटा बास्केट खा सकते हैं। एक आलू टिक्की पैकिंग ना, एक आलू टिक्की पैकिंग, एक दही बतासा, तुम्हारा क्या बड़ा? तीन सिंगल टिक्की आपकी, बड़ा पनीरा पनीरा फटाफट कैरी बैग, 1 2 ये पैकिंग, तीन सिंगल आपकी टिक्की बढ़िया से बनाने जा रहे हैं, 1 2 3 एक तीन सिंगल टिक्की, एक मिनट, 1 2 आपको गरम नहीं लगती? अरे गरम, वो सब प्रैक्टिस हो गई है, 50 साल से बना रहा ना, बहुत मज़ा आने लगा। आप चलो भाई, एक प्लेन रख दो, ठीक है, एक प्लेन कर दिया है, और दो ये प्लेन वाली टिक्की है, और ये दही चटनी चाहिए तो और डलवा लीजिएगा, है ना। नीचे प्लेन लगा देता हूँ, ये नीचे प्लेन लगा लो। कारण क्या था कि मेरे पास कम से कम नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर 102 फ्रेंचाइजी मैंने दे दी, आलीशान बंगला थी, गाड़ियां थी, सब कुछ था। लेकिन जब एक कंप्लेन किसी कस्टमर ने की तो क्या मेरा हसर था पता, कि एक रात में पूना की 36 ब्रांचें मैंने बंद कर दी। गली गली में आप किसी से पूछेंगे, छोटू भैया छोटू भैया छोटू भैया छोटू भैया। मुझे लगा यार मैं तो एसी में बैठता हूँ, चाट हमारे असिस्टेंट बनाते हैं, है? जितने मेरे जीवन की दौलत थी सब कुछ लुटा दिया। हमने कहा जो हाथ चाट बनाने में है वो दौलत में नहीं है, बहुत कमाया पैसा, लेकिन वो पैसा रास नहीं आया। हमने कहा कि नहीं, जिसके लिए मैं बना हूँ वही मेरी विरासत है, आज मैं उससे ज़्यादा फेमस हूँ। पहले चापलूस लोग आते थे, पैसा था तो चापलूस लोग आते, आज जिसको दिल करता दिल से मिलते हैं, गले मिलते हैं। आप देखोगे मजमा लगा होगा, इंतजार कर रहे होंगे लोग, अरे यार चाट किंग हरदयाल मौर्या छोटू भैया, दिन भर गले मिलते रहते हैं और सबसे मिलता रहता हूँ। कुछ समय के लिए हम भटक गए कि इसकी फ्रेंचाइजी शुरू कर दें, पैसा तो खूब कमाया, लेकिन पैसे कमाने से क्या है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि वो टेस्ट डिवाइड हो जाता। कौन सी उठाऊं बताओ, उठाए सेकंड ये वाली ना, ये ठीक रेडी, ये है हमारी बास्केट चाट, इसकी आलू की टोकरी, ठीक है, ये आलू की टोकरी, इसको कद्दूकस से घिसता हूँ लच्छे को, और फिर धुल के इसको हल्का अरारोट मिलाते हैं, मिलाने के बाद इसको जो है फिर एक छन्नी रहती है तार की, छन्नी के बीच में इसको लगा के एक छन्नी दबाते हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं। बास्केट रेडी, रेडी बास्केट रेडी है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 पीस आलू टिक्की, ये स्टफ आलू टिक्की है, ठीक है। अब इस पे पड़ेगा क्या, एक दही बड़ा डालने जा रहे हैं, ये दही बड़ा है, इसके अंदर कुछ पापड़ियाँ हैं, कुरकुरी पापड़ी, ठीक है, और इसके अंदर एक भुना ना मटर है, इसको तांबे के तवे में भूंज रहा हूँ। किसी भी वर्ड में चाट वाले के पास तांबा और पीतल का तवा नहीं होगा, कढ़ैया मिलेगी तवा नहीं होगा। क्या मसाले हैं? ये मसाला चाट मसाला है, ये दर्दी कुटी हुई धनिया है, ठीक, ये कुटा हुआ मिर्चा है हमारा, खुद कूटते हैं इसको, मार्केट का कुछ भी नहीं,
ठीक है। अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ी पापड़ी, ये पापड़ी डाल दिया, ठीक है। ये चटनी है पुदीने और धनिया की, ठीक है। ये चटनी समझ लीजिए मेरा चमन परास है, नाम है सिर्फ चटनी, हाँ चमन परास। ऊपर से हम दही डाल लें, ये देखिए 1, 2 और 3, इसको नहलाते हैं हम दही से लोगों को, ठीक है। ये नवरत्न दाल बूट है, ठीक है। उसके ऊपर ये हम अनार दाने डाल रहे हैं, उसके ऊपर ये कुछ मूंगफली दाने और मुरमुरा है, ठीक। ये ऊपर धनिया है, अब थोड़ा सा जीरा हम ऊपर से डाल देते हैं जिसमें, और जरा चटपटा हो जाए ये, और ये लास्ट में हाजमोला है। हम वही खिलाएंगे आपको जहाँ से चाट की शुरुआत हुई थी, उसमें कुछ नहीं है, ना दही पड़ता है, ना चटनी पड़ता है, ना कोई कुछ भी नहीं पड़ता। वो सिर्फ जामुन के सिरके में बनता है, और जामुन का सिरका इतना पुराना होता है, अगर आपको पिला देंगे तो आपके बदन की नस नस पूरी लीक करती जाएगी, नस नस लीक कर देगा। कहिए तो आपको बना के खिलाए। जरूर पक्का डन, ठीक है। अब देखिए ये आलू है, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर किसी ने देख लिया ना तो लोग यही बोलेंगे मुझे भी खिलाओ। ये धनिया है, मिर्चा है, और इसमें नमक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और ये जामुन का सिरका है, क्या बात है, क्या जामुन का सिरका, जामुन का सिरका, झूम जाएंगे, हाँ, और बदन भी लीक करेगा, थोड़ा चटपटा चलेगा ना। अरे जा आपके मजे, आपके मजे ये देखो मजा, अभी देखना, अभी इसका कमाल देखना। ये लो अभी चाट मॉडल हो गई, इसको मॉडल पहले ऐसे चाट थी, ये ला बड़ा हट, अब हम पूरा खिलाएंगे आपको, देखो हाँ लो ये खाओ। है बहुत मजा आएगा, है ना। अरे क्या बात है, एक और खिला लूं, बहुत बढ़िया, और हम सब खाएंगे, हैं ठीक। ये जो है ना पेवर जामुन का सिरका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। एक और खिलाइए, एक और खिलाऊं, ए देखो दोस्त को अपने खिला रहे, रुक रहे, इसको हम थोड़ा भिगाएंगे जामुन को, ये हाँ बास्केट पैक करो, धन्य हो गए, हैं मजा आ रहा ना। बहुत जो ये खटास है, हाँ। ये कभी नहीं खाई, ये नेचुरल खटास है, जो जो दांत कहते हैं ना, हाँ वो चीज है। अभी कहीं पी लिया जाता था तो बदन झुंझुनी जाएगा, झुंझुनी आ जाएगा बदन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुम्हें भी खिलाना पड़ेगा, खिलाइए, मजा आ रहा ना। अब थोड़ा हम भी टेस्ट करें क्या, जरूर जरूर, तुम खाए तो हम भी खा के देख लेंगे, पक्का है। कैसा बना? अरे जानदार यार, लोग कहते हैं चाट वाला कभी चाट नहीं खाता है, हम तो सामने सबके खा रहे हैं, हम तो चाट चाट के खाएंगे। अरे बहुत मजा आ रहा है, सच में मजा आ रहा है हमको, और यही बनाते हैं हम, यही से शुरुआत करते हैं चाट खाने। ये जो जो ये सिरका है ना, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। अब सारे जब गेस्ट चले जाएंगे तो इसको हम पी लेंगे चुपके से। मजा आ रहा, सच में मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि जो आप लोग हमारे हाथों से चाट खाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे, मैं गर्व महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि आपने हमें पसंद किया और हमारे हाथों से चाट पसंद करते हूँ। उसके अलावा भी अगर हमसे कभी भी कोई टेस्ट में फ़र्क हो जाए तो क्षमा नहीं मांगूंगा, टोपी उतार दूंगा। हरदयाल मौर्य जी की बास्केट चाट, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर हियर इन लखनऊ। एंड भाई इधर से दिखाता हूँ आपको, ये अभी इनकी हाफ चाट है, मिनी चाट है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है यार। और ये है हाजमोला, कहते हैं कि अगर ये खाओ तो ये सारी हज़म हो जाएगी आपको, एंड तब भी आपको और भूख लग जाएगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ईटिंग दिस, करिए बस शुरू। सो ये है जी एक बाइट, और वो जो कचालू की जो चाट थी ना यार, जामुन के सिरके वाली, भाई मतलब क्या क्या खाने को मिला, बहुत बढ़िया यार, बहुत ज़्यादा सही, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत बढ़िया। और जो इन्होंने ऑफ कैमरा भी कुछ बातें करी ना, वो बातें सुन के
मतलब आपकी आपका सोच चेंज हो जाती है, आपके विचार चेंज हो जाते हैं। अमेजिंग ह्यूमन। हियर इट इज भैया जी, हमारी बास्केट चाट का फर्स्ट स्पून एंड हियर गोज। ओ वाह जी वाह, मुझे चटोरी खाना बहुत पसंद है, पर ये कुछ और ही लेवल पे है, बहुत बढ़िया। मुझे टेस्ट करना था जो इनका ये जो आलू की कवरिंग है ना, ये टेस्ट करनी है यार। इसके साथ मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ हजमोला एंड क्या क्या बात है। क्या बात है, चाट खा के कैसा फील हो रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इंदा इंदा, बहुत बढ़िया। कैंट बम्ब आते की बोला है नू।